हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। कैसे हो आप सब? और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली एक गरारा सूट, ये है उसका लुक। इस टाइप से आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये जॉर्जेट पे है, गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल है जैसा कि आजकल का मौसम चल रहा है। सबसे पहले हम अपना कॉटन फैब्रिक लेंगे जिसकी लेंथ हमें रखनी है 35 इंच पर। हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे भी हल्का सा फोल्ड करने के लिए और ऊपर हमारे शोल्डर में दबने के लिए। उसके बाद हम अपना अक्रॉस बैक लेंगे जो कि है हमारा 6 इंच। सेम उसके अकॉर्डिंग हम अपना आर्म होल भी ले लेंगे जो कि तीरा और आर्म होल जो होता है वो सब हम ले लेंगे। उसके बाद हम अपना राउंड चेस्ट लेंगे जो कि हमारे चेस्ट के जो भी हमारा होता है उसका 1/4 लेते हैं। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और जिस किसी को भी अगर सूट की कटिंग की वीडियो देखनी है कि किस तरीके से मेज़र करना चाहिए और किस तरीके से, उसके बाद हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही जितनी भी हमें हाइट रखनी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने इसकी जो वेस्ट लेंथ रखी है वो 13 है और हिप लेंथ जो है इसकी 19 है। तो उसके बाद हम इसका इस तरीके से हम मेज़रमेंट लेंगे जो कि हमारा हिप है 10 इंच और हमारा ऊपर का जो था वो डिफरेंट था, मतलब 8.5 था और चेस्ट जो है हमारा 9.5 था और हमारा हिप 10 है। तो इस अकॉर्डिंग आपको लेनी है। इसी तरीके से आपको निशान लगाने हैं, सारे जॉइंट करने हैं और आपको डीपली वीडियो मिल जाएगी किस तरीके से हम सूट पे निशान लगाएं। तो वो उस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया। ये देखिए, इस तरीके से हल्की सी शेप देना अगर आपको देनी भी तो है, ज़्यादा डीप शेप आपको नहीं देनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा के हम अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमारी अब कटिंग हो रही है और अच्छे से अपनी फिनिशिंग के साथ कटिंग करते चले जाएंगे। मार्जिन हमेशा रखना। कई बार हम निशान लगा देते हैं तो वहीं कट कर देते हैं, वो नहीं करना है हमें। हमें अपने निशान पे नहीं लगा के उससे मार्जिन जो भी सेट लगा के जितना भी है 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच आपको जितना रखना है आप उतना रखिए, पर 2 इंच से ज़्यादा मत रखना, वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, उससे ज़्यादा मत करना। और यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड पड़ रहा है, मतलब इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी कटिंग करने में, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इस तरीके का इसका हमने फ्रंट मतलब आर्म होल की शेप कट कर दिया और अभी हम इसके फ्रंट का भी कट करेंगे। उससे पहले हम अपने जितना भी हमें नेक चाहिए, मैंने 3 का रखा है, मतलब मैं 3 इंच का चौड़ा, मतलब टोटल होगा वो 6 इंच का। और उसके बाद मैंने 1/2 इंच डाउन करके यहाँ से अपनी शेप दे दी है। ये शोल्डर में आप हमेशा देना, बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद सेम इस फैब्रिक को रख के मैंने कॉटन वाले को अपना जॉर्जेट फैब्रिक कट कर लिया है और ये बहुत मतलब कंफर्टेबल जैसे कह सकते हो, क्योंकि मॉनसून गर्मी का वेदर है तो आपको बहुत कंफर्टेबल होगा इस तरीके के डिज़ाइन पहनने में। और पार्टी में भी जा सकते हो, बर्थडे पार्टीज़ में भी जा सकते हो और आपका अभी रक्षाबंधन आ रहा है स्पेशली उस पर भी आप डिज़ाइन कर सकते हो ये सूट, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप ट्राई करना और बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे जितना भी है। नीचे से हम इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, 2 इंच 1 इंच 2 इंच इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। ये मैंने 37 लिया था तो आप 38 लिया था सॉरी, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था मैंने। और उसके बाद हम अपने नेक सेट करेंगे। तो पहले मैंने कच्चा कर लिया दोनों फैब्रिक को जॉइंट करके, मतलब अपने जॉर्जेट और वो, और उसके बाद मैंने ये अपना, मैंने ये आपको पहले भी बताया, मैं इस तरीके से ही नेक जॉइन करती हूँ। पहले मैं कट कर देती हूँ दोनों को, उसके बाद मैं जॉइंट करती हूँ। बाकी सब जो करते हैं वो पहले जॉइंट करते हैं उसके बाद कट करते हैं, पर मैं इस तरीके से कंफर्टेबल ज़्यादा रहती हूँ। और आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करना, बहुत ही ईजीली गला सेट हो जाता है और बिल्कुल भी झोल वगैरह नहीं आता है और बहुत कंफर्टेबल रहता है इस तरीके से। एक बार ट्राई करना मेरे कहने पर, बहुत ही अच्छे से ईजी वे में और बहुत अच्छा सेट होता है। ऐसा नहीं कि आपका ऊपर नीचे हो जाए कहीं से नेक, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ सेट होता है। उसके बाद अपने छोटे छोटे नॉट्स लगा देंगे और उसको फोल्ड कर देंगे। सेम उसी तरीके से हमने बैक का भी किया है। बैक का गला इसमें चकोर है और फ्रंट का राउंड है, तो स्क्वायर और राउंड शेप का मैंने इसमें नेक रखा था। फ्रंट एंड बैक में दोनों में डिफरेंट था, फ्रंट में राउंड था और बैक में ये स्क्वायर शेप का नेक था। तो आप इस तरीके से भी, बाकी और भी डिज़ाइन जो होते हैं वो भी आप कट कर सकते हो।
और थोड़ी लॉन्ग वीडियो है तो प्लीज़ पूरी देख लेना, बहुत अच्छा है। और इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि गरारा का है, ये ऊपर का सूट है। और आप सब देखो मैंने किस तरीके से डिज़ाइन करा है, देखो अभी प्लेन जॉर्जेट है ये, तो इसके ऊपर हमने जो आप ये चाहो तो आपके घर में जो सॉरी जो साड़ियाँ होती हैं जॉर्जेट की वो भी यूज़ कर सकते हो। ये भी मैंने साड़ी से ही डिज़ाइन किया है, आप भी कर सकते हो। जो कोई भी आपकी पुरानी साड़ी हो उसको रीयूज़ करिए और इस तरीके से उसका बॉर्डर हटा देना, बट आप पहले पहले ही बॉर्डर हटा देना। उसके बाद हम अपने शोल्डर जॉइंट करेंगे इस तरीके से अपने नेक से नेक, और इतना ध्यान इसको ध्यान से जॉइंट करना, हमारे मतलब बुकरम जो है दोनों बराबर होने चाहिए, नेक हमारे इक्वल आए ताकि हमारे। और उसके बाद डबल सिलाई, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ तो डबल सिलाई कर लेना, और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से हमारा पता नहीं लगता हमने नेक किस तरीके से सेट किया है। अच्छा मान को क्या हो गया है इस तरीके से। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। देखिए इस तरीके से इसका अब हम इस पर अपने कच्चे की सिलाई लगाएंगे, जो कि हमारा नेक हम क्योंकि तुरपाई करेंगे इसमें, तो तुरपाई के लिए हम अपना सेट कर लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में, क्योंकि कई बार हमसे फिर तुरपाई में मिस्टेक हो जाती है, तो वो ना हो इसलिए हम अपने टाइट हाथों से इसको खींचते हो, क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक है, जॉर्जेट के फैब्रिक में झोल बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए मैंने बोला कच्चा कर लेना आप अच्छे से। कच्चा करोगे तभी अच्छे से सेट होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो डिफ़िकल्टी होती है जॉर्जेट फैब्रिक में, बहुत वैसा होता है ना ये फिसलने टाइप का, और मशीन पे तो बहुत ज़्यादा फिसलता है। कॉटन और ये दोनों मिक्स पर बहुत लाइट वेट होता है, आपको कैरी करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और गर्मी भी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, बहुत अच्छा फैब्रिक है ये। इस तरीके से डिज़ाइन करना जिस तरीके से मैंने किया है, आप मुझे बताना आपको अच्छा लगा है, कैसा लगा है ये भी मुझे बताना कमेंट्स में। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए वो भी, और मैं ये आपकी वही मैं बता रही हूँ। इसको हम अपना सेट कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं ताकि हमारा जो हम तुरपाई करें वो हमें ईजिली हो जाए, उसमें हेल्प हो जाए। पहले भी कर देते हैं काफ़ी लोग, पर मैं हमेशा पहले ऊपर शोल्डर जॉइंट कर देती हूँ, उसके बाद करती हूँ ये, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से दब जाए वो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप बुकरम पे सेट कर रहे हो तो इसी तरीके से ज़्यादातर करना, और बुकरम पे नहीं कर रहे हो पेस्टिंग पे कर रहे हो तो आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये मैंने बुकरम पे सेट किए हैं, तो आप भी ट्राई करो इस तरीके से और मुझे बताओ कैसा कैसे आप लोगों ने डिज़ाइन करें। और अब हम इसके जो हमारा आर्म होल है वहाँ पर जो हम क्योंकि कट स्लिप है तो इसमें हमें अपनी तिरछी पट्टियाँ काटी हैं, पतली पतली से, ज़्यादा चौड़ी नहीं काटनी है आपको, 1 इंच की काटनी है, और इस तरीके से आपको सिलाई लगा देना है बराबर से रखते हुए, और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है आपको, ताकि वो बहुत ही पतला रहे, आपको चौड़ा इसमें नहीं बनाना है, क्योंकि आजकल फैशन में है बहुत ज़्यादा शोल्डर पे पतली पतली इन सबको चाहिए होता है। तो इस तरीके से डिज़ाइन करो, आपके कस्टमर भी बहुत हैप्पी रहेंगे। और आप बताइए, आप लोग ट्राई करते रहिए, और मैंने आपको पहले भी बोला है अभी इसी वीडियो में कि आपको किस चीज़ की नई वीडियो चाहिए, तो वो भी बताओ मुझे कॉमेंट में। और फ्रॉक की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि लहंगे की वीडियो लेके आऊँ, वो भी एक डिज़ाइनर लहंगा, जो आप अपने से डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे ही सिंपली ज़्यादा इसमें हमारा बजट नहीं लगा और हमने अपना डिज़ाइन भी कर लिया। उसके बाद हम अपनी साइड फिटिंग कर रहे हैं इसमें, अपनी जो पट्टी है ऊपर वाली लगा के शोल्डर की, शोल्डर मतलब हमने जो स्लीव के पास लगानी थी वो हमने इसमें स्लीव नहीं लगाई है। उसके बाद हम अपने फिटिंग मार्जिन जो भी है हमारा, हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग अपनी निशान लगा के हम अपना अब इसमें हम अपनी सिलाई कर दे रहे हैं। और डबल सिलाई में हमेशा बोलती हूँ दोनों साइड हमें फिटिंग की निशान फिटिंग की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, और अच्छे से लगाना नीट एंड क्लीन वे में, और दोनों साइड मैंने वही बताया, और दोनों साइड आपको उसी तरीके से पट्टी भी लगानी है ऊपर शोल्डर पर, और अंदर की साइड फोल्ड कर देना, और वहाँ पर भी आप तुरपाई करना बहुत इजीली हो जाएगा, और इसी तरीके से, और नीट एंड क्लीन वे में भी आएगा और बहुत पतली पट्टी आएगी। अब देखना आप इसको, मैं एंड में वीडियो में दिखाऊँगी। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका गरारा वाला, उसमें तो मैं इसका फाइनल वीडियो बना के आपको दूँगी कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आया था,
उसके बाद हम अपना तुरपाई कर लेंगे पहले जितना भी हमें फोल्ड करना है नीचे से साइड से, उसके बाद हम अपना लेस सेट करेंगे। ये चौड़ी वाली है और इसी तरीके से चौड़ी वाली लेना आप, बहुत प्यारी लगेगी। कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर में आपका फ्रंट एंड बैक बोथ हो जाता है तो इनफ होता है। इसी तरीके से हम लगा लेंगे, इस तरीके से हम इसमें स्टिच कर लेंगे और अच्छे से करना है हमें नीट एंड क्लीन वे में, और पूरे में इसको अच्छे से सिलाई लगाएंगे। और हम इसके बाद हम इसके, और मैंने एकदम किनारे पे सिलाई चलाई है ताकि हमारी लेस जो है दब जाए अच्छे से। उसके बाद हम कट कर लेंगे थोड़े से पहले ही और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हम पहले ही तुरपाई कर चुके हैं तो हम इसमें, हमें बाकी सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी अब कि हमें तुरपाई करनी है। तुरपाई हम पहले ही कर चुके हैं, उसके बाद हम ये लगा रहे हैं। इस तरीके से दबा देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में। और अब यहाँ से हम स्ट्रेट सिलाई एक और लगाएंगे, बाकी जो हमारा कट का डिज़ाइन है वो हमारा एकदम नीचे दिखेगा, नीचे की तरफ उसका लुक आएगा एकदम ही। और ये मैं थोड़ा सा ऊंचा लगा रही हूँ, जहाँ पे हमारा कट का डिज़ाइन स्टार्ट होता है वहीं पर है ये, थोड़ा सा ऊंचा। और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे। इसी तरीके से सेम हमें बैक में भी लगा लेना है और डबल सिलाई यहाँ पर भी कर देना आप। और उसके बाद हम अपना जो हमारा रेडी हो जाता है कुर्ता, उसके बाद हम उसकी लेंथ लेंगे। ये हमारी वृत्त है उसकी, उसका मिडिल पार्ट करेंगे जो कि 9.5 आ रहा है, और वहाँ से हम स्ट्रेट इंची टेप रखेंगे अच्छे से ताकि 9.5 हम ऊपर तक पूरे में निशान इसका लगा लेंगे। 9.5 का है जो कि इसका मिडिल, ताकि हमें जो स्टोन वर्क करना है वो हमें इजीली, हमें उसका मेज़रमेंट पता हो। और ये मैंने इसमें 3-3 इंच पे निशान लगाए हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कितनी दूरी पर लगाना चाहते हो। मैंने इसमें 3-3 इंच पर लगाए हैं। और इसी तरीके से प्लस टाइप के क्रॉस का निशान कर दिया है ताकि मुझे लगाने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। उसके बाद हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं इक्वली फ्रंट और बैक बोथ में। और उसके बाद यहाँ से भी हम 3-3 इंच पे निशान लगा देंगे। ये मैं 3-3 आपको लग रहा होगा ज़्यादा दूर है, पर ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि इसमें भी बीच में भी लगेंगे इसमें मिडिल में भी, और इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा उससे, तो वो भी आप देखना फाइनल लुक कितना अच्छा आया है। इसके बाद हम इसका अपना पूरा बॉक्स टाइप का इसका बना लेंगे, जैसे स्क्वायर बॉक्स होते हैं इस तरीके से इनके निशान लगा लेने हैं पूरे कुर्ते में, फ्रंट एंड बैक बोथ में। सॉरी गाइस, बट उसके बाद हम अपना ये वाला फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे जो कि, और ये स्टोन, छोटे वाले स्टोन है ये, और ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और ये फैब्रिक ग्लू भी, जिससे ये आप वॉश भी करोगे तो भी नहीं छूटते हैं, मतलब छूटते हैं बहुत टाइम बाद छूटते हैं, मतलब आप काफ़ी यूज़ कर चुके होते हैं फैब्रिक को उसके बाद छूटते हैं, जल्दी इजीली नहीं छूटते हैं। उसके बाद इस तरीके से हमने फैबिकॉल लगा लिया है मिडिल पार्ट, मिडिल करके जो स्टार हमने बनाया है। उसके बाद इस तरीके से हम किसी की भी हेल्प से एक पतली सी सुई या फिर कुछ भी, आप बड़ा सा जो भी आपके पास पतला सा कुछ हो जिससे हम इसको स्टेबल कर लें, उसकी हेल्प से हम इस तरीके से लगा देंगे इसमें सारे में जितने भी स्टोन हमें लगाने हैं। उसके बाद हम अच्छे से चिपकाना, ये नहीं कि ग्लू आपने गमला, और ग्लू का टेंशन मत लेना, ये बाद में नहीं दिखता है कि फैब्रिक पे कौन वाइट कलर अभी दिख रहा है, बट बाद में सूखने के बाद ये नहीं दिखता है। सूखने के बाद भी इसका लुक देखना, बहुत ही अच्छा आया है, इसीलिए मैं आपको साथ बता रही हूँ। और इसी तरीके से हम पूरे सूट में लगा लेंगे, फ्रंट के लुक में भी और बैक में भी, ये मिडिल पार्ट कर करके हमें अच्छे से लगाने हैं। और इजी तरीके से है, इजी ही है बहुत ही, आपको अच्छे से लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके से लगाने में। उसके बाद हमने ये पूरा ही सूट में इस तरीके से लगाए हैं तो हमें टाइम लगेगा, आपको भी लगाने में। मैंने पूरा शूट करा था इसलिए मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर ज़्यादा कर दिया है, आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो। उसके बाद हमने इस तरीके से मिडिल में लगाया है फैब्रिक ग्लू है, इस तरीके से हम लगाएंगे। देख रहे हो आप कितने पास स्टोन हो जाएंगे,
और इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा इस तरीके से। उसके बाद जहाँ जहाँ हमने फैब्रिक ग्लू लगाया है वहाँ पर हमें इसको स्टोन्स को, गोल्डन स्टोन है ये, गोल्डन ही लेस था, और नीचे जो हमारा गरारा में भी लेस लगेंगे वो भी गोल्डन हो गए। तो इसका ब्लैक और गोल्डन का शेड है, तो आप गोल्डन दुपट्टा लेना इसके ऊपर, कैरी करना बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम इसका स्टोन वर्क अच्छे से चिपका देंगे, ये बीच बीच में भी आपको मिडिल पार्ट ही लगाना है, जो हमारा स्क्वायर बॉक्स है उसका मिडिल पार्ट में ही लगाने हैं। आप अंदाजे से लगा लेना, मैंने निशान नहीं लगाए हैं इसमें, निशान भी लगा सकते हो आप, और मैंने अंदाजे से ही लगा दिए थे, मेरे ठीक थे। आप आगे निशान लगा के जैसे हमने पहले किए थे 3-3 इंच पे, उसी के अकॉर्डिंग बीच में मिडिल पार्ट करके आप वैसे भी कर सकते हो, 1.5-1.5 इंच का निशान लगा कर। और गाइज़, वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए वो भी बताना। ये इसका फाइनल लुक है जो कि फ्रंट में है, सेम एज इट इज़ हमने बैक भी किया है, देख सकते हो कितना पतला इसका ऊपर की पट्टी है, और ये इसका बैक लुक है। तो बैक में हमने चौक से निशान नहीं लगाया, तो देखो कितना साफ दिख रहा है, वो चौक का निशान भी इजीली हट जाता है, तो आप वॉश कर